गुफा कितनी ऊपर है? गुफा गुफा कितनी ऊपर? अर्जुन गुफा थोड़ा लगेगा, 10 मिनट आपको लगेगा ना, आधा घंटा नहीं नहीं यार, आधा घंटा लगेगा। हेलो फेलो वॉचर्स, तो मेरे सामने जो आप वैली देख रहे हैं, ये मनाली में शुरू एक गांव है, उधर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। हम जा रहे हैं हाइक पे, वो हाइक है टुवर्ड्स सम केव्स कॉल्ड अर्जुन केव्स। थोड़ी सी स्टीप है और वन ऑफ दो स्पॉट्स इन मनाली जो हर कोई नहीं जाएगा। तो आप एक बार ये देख लो, तो यहाँ पे ना ऐसी सीढ़ियाँ हैं बनी हुई, और दो रास्ते तो कई होंगे आने के, बट आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा आना। तो शुरू विदेट से, दिस टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। नॉर्मल जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तो 15 मिनट में खींच जाते हैं, बट जिनको आदत नहीं पड़ी वो टाइम लेंगे। ऑफकोर्स आपको एक व्यू दिखाता हूँ। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ तो चलो हैं ही, बट सेब के बगान भी हैं। मैं भूल गया हूँ वैराइटीज़, मैंने पिछली बार याद करे थे बट अब तो मुझे याद ही नहीं है। रॉयल है शायद, नॉट श्योर, बट अभी सीज़न चल रहा है हार्वेस्टिंग का, तो आप देखो कितने रेड रेड अच्छे खासे लाल सेब उगे हुए हैं, और सब पेड़ों के नंबर भी हैं। तो दैट मीन्स जिन जिन के खेत यहाँ पे, उन्होंने अपने ट्रीज़ को मार्क कर रखा है। ऊपर है गुफा, कितनी ऊपर है का? गुफा गुफा कितनी ऊपर? अर्जुन गुफा थोड़ा लगेगा, 10 मिनट 10 मिनट और आपको लगेंगे ना, आधा घंटा नहीं नहीं यार, आधा घंटा लगेगा। इतना अंडर एस्टिमेट मत कर खुद को। पहाड़ों पे जब आप वॉक करते हो ना, आपको एक दोस्त जरूर मिलता है, और वो होता है डॉग। मैंने पहले भी कुछ हाइक्स किए हैं और डॉग्स हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं। देखो दोनों, हाँ जी आ गया, वेट कर रहे हो? चलो। तो इनका आने का एक रीज़न भी ये भी होता है, इनको कुछ खाने को मिल जाता है। यहाँ कुछ लोग टायर्ड होके पसर गए हैं, अब इनकी कोशिश यही है कि वापस चले जाए। और कैसा लग रहा है ऊपर आके? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बढ़िया हरियाली है, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े पाइन से, इतने इतने पाइन से। हाँ अच्छा लगा, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे ग्रीन वाले पाइन देखे हैं। ग्रीन पाइन? हाँ, इतने ग्रीन पाइन जो ब्राउन होंगे अभी सर्दियों में जाते जाते। बढ़िया बढ़िया। विकास, अबे यार, तो जनता पार्टी, जनता पार्टी अर्जुन केव्स पहुंच चुकी है, और जो हमारे दो दोस्त आए थे वो भी, वो तो पहले से ही वेट कर रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या लोग हैं इतनी लेट लेट आते हैं। तो अब ये देख लो, अर्जुन केव्स इसको बुलाते हैं। हमें किसी ने बताया था कि अब रुइंस ही हैं ऊपर, केव बंद हो चुका है। तो फिलहाल आप देखो एक बार, ये सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। मैं थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ क्या है। तो केव के अंदर आप देखो, यहाँ पे ना ये सब ये टूट चुका है। यहाँ पे आपको कुछ खास एंट्री के लिए मिलेगा नहीं, वो यही कह रहे थे लोकल के रूइंस हैं। तो अब दिस इज़ इट, अंदर जा तो सकते हैं बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पे बहुत पतसंकरी जगह है और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है स्पेलंकिंग का, तो नॉट गोइंग इनसाइड। तो आधे घंटे की हाइक के बाद आपको ये पूरा अर्जुन केव्स दिखाने के बाद, और थोड़ी देर उस घर पे बैठे रहने के बाद हम वापस जा रहे हैं नीचे शुरू गांव की तरफ। तो जस्ट रिमेंबर, आप लोग यहाँ मनाली आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिप हॉप क्राउड, पार्टी क्राउड और शोर शराबे से दूर रहना है। शुरू इज़ द प्लेस, और अगर यहाँ आके हाइक करनी है
तो अर्जुन केव्स तक आ सकते हैं। अब एक्सेस नहीं कर सकते इनको, पर आप यहाँ आ सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं, अपना दिन भर जो सुकून शांति इन्जॉय करनी कर सकते हैं। मिलेंगे खोजिस्तान के अगले एपिसोड में कहीं और किसी और जगह। तब तक के लिए आपस में शांति बनाए रखें, सारे धर्मों को फिलॉसफी की तरह लें, सारे पेड़ पौधों जानवरों से प्यार करते रहें, सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और कचरा ना करें। सी यू अगेन सून।